हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फारलाइट 84 की एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने एनिमी से एक स्टेप आगे रहेंगे और मोस्ट ऑफ द फाइट आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इस चैनल पर आपको फारलाइट से रिलेटेड इस तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी। और भाई लोग, अभी ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है चैनल का, तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हो सके तो वीडियो शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो आपके साथ फारलाइट खेलते हैं। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो अगर आप 1v4 करना चाहते हो या फिर क्लच करना चाहते हो और उसके सक्सेस रेट को बढ़ाना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि आप इस टिप को ध्यान में रखो, और वो है शील्ड स्वॉप। शील्ड स्वॉप इस गेम का कॉन्सेप्ट है, एपिक्स मोबाइल में भी ये कॉन्सेप्ट था। और शील्ड स्वॉप का मतलब होता है कि अपनी टूटी हुई शील्ड उतार के तुरंत उस शील्ड को पहन लेना जो आपके आसपास पड़ी हुई हो, चाहे वो लूट बॉक्स में हो चाहे वो ग्राउंड लूट पे पड़ी हुई हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो आप एनिमी के साथ फाइट ले रहे हो और आपकी पूरी शील्ड उतर गई है, यानी पूरी शील्ड टूट चुकी है, लेकिन आपने सामने वाले एनिमी को मार दिया है, पूरा फिनिश कर दिया है, उसका डब्बा बना दिया है, और जैसे ही आपने उसको फिनिश किया एक दूसरे बंदे का फुटस्टेप आने लगा और आपके पास शील्ड रिचार्ज का टाइम नहीं है, और वहां पे अगर दूसरा बंदा आ जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपको मार सकता है, क्योंकि उसके पास शील्ड रहेगी, वो पूरी रिचार्ज रहेगी और आपकी टूटी हुई शील्ड आपका कुछ नहीं कर पाएगी। तो वहां पे कहीं ना कहीं चांसेस है कि आप वहां पे फाइट हार जाओ। लेकिन वहां पे अगर आप शील्ड स्वॉप कर लेते हो, यानी अगल बगल कोई शील्ड पड़ी हुई है तो वो उठा लो, यानी ग्राउंड लूट पे कोई शील्ड पड़ी हुई है तो वो उठा लो, या फिर जिस भी बंदे का आपने डब्बा बनाया है फटाक से उस डब्बे से उसकी शील्ड उठा लो, आप हमेशा देखोगे जिस भी बंदे को आप मारते हो, पूरा फिनिश करते हो, उसकी शील्ड पूरी रिचार्ज रहती है डब्बे में। तो बस आपको इतना करना है कि अपनी शील्ड फटाक से छोड़नी है और उस डब्बे से, और तुरंत वापस फाइट में एंगेज कर लेना है। तो इससे होगा ये कि आपके पास हमेशा एक फ्रेश शील्ड रहेगी और आप हमेशा फाइट में कंटिन्यू ज्वाइन रह सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि मेरे पास तो ब्लू शील्ड थी, वो टूट गई, तो डब्बे में तो ग्रीन शील्ड है, उठाऊं कि नहीं उठाऊं? भाई, टूटी हुई ब्लू शील्ड से अच्छा 100% की ग्रीन शील्ड अच्छी रहेगी। तो बस जो भी है डब्बे में उठा लो, बस वो शील्ड टूटी नहीं रहनी चाहिए। और आप खुद देख सकते हो आपका कितना टाइम बचेगा, आपको पूरा शील्ड फिर से रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, आपको बस एक शील्ड उठानी और तुरंत फाइट में एंगेज करना है। नो टाइम वेस्ट, ओनली बूम बम। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जर्व योर एनिमी। और इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान देना है कि आपके एनिमी ने कौन से लेवल की शील्ड पहनी है और कौन सा गन यूज कर रहा है। और ये पता लगाने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस 2 बुलेट फायर करनी है उसके ऊपर, और कुछ बुलेट फायर करने के बाद जिस कलर का आपको डैमेज नंबर दिखेगा, यानी अगर व्हाइट दिख रहा है तो उसके पास व्हाइट शील्ड है, अगर नंबर ग्रीन दिख रहा है तो उसके पास ग्रीन शील्ड है, ब्लू दिख रहा है तो ब्लू शील्ड है, जिस कलर का डैमेज नंबर दिखेगा समझ लो उसके पास उस कलर की शील्ड है, और बाकी गन वन तो वो जब फायर करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसके पास कौन सी लेवल की गन है, कौन सी गन है। और फिर आपको अपने आप को देखना है और देखना है कि आपके पास क्या चीज है, जो आपके पास चीज है उससे आप उससे फाइट ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि सामने वाले के पास ब्लू शील्ड हो, जुपिटर हो, और आपके पास व्हाइट शील्ड हो और कोई फर्जी सी SMG हो, और आप सोचोगे कि उसके पास क्लोज रेंज, आप जाके जीत जाओगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। तो हमेशा सामने वाले को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के लिए आपको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड लगते हैं, कोई 1 महीने का टाइम नहीं लगता, और ये कहीं ना कहीं आपको फाइट जीतने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट है चूज लेजेंड अकॉर्डिंग टू योर प्ले स्टाइल। मतलब ये कि आपको अपना लेजेंड आपके प्ले स्टाइल के हिसाब से चूज करना है। अब तक आपने जितना भी खेला होगा उससे आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से खेलते हो, यानी आप बहुत ज्यादा रश करके खेलते हो, बहुत स्ट्रेटेजिकली खेलते हो, टीम पे डिपेंडेंट रह के खेलते हो, कैसे खेलते हो आपको पता होगा। तो जो भी आपका प्ले स्टाइल है उस हिसाब से लेजेंड को चूज किया करो, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ कैसे। मान लो आप बहुत ज्यादा रश करके खेलने वाले प्लेयर हो और आप मोमो ही लेके खेलो, तो आप खुद बताओ क्या आप कंफर्टेबली रश करके खेल पाओगे? तो बिल्कुल नहीं खेल पाओगे। मान लो आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हो, आप खेल भी लोगे तो आपको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील होगा, कहीं ना कहीं फाइट में आपको प्रॉब्लम होगी। वहीं अगर आप मैगी के साथ या फिर सुनील के साथ या फिर लुसिंडा के साथ, इन लेजेंड्स के साथ अगर आप बहुत ज्यादा रश करके खेलोगे तो उतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे एज कम्पेयर टू मोमो या फिर सियाना। वहीं अगर आप सपोर्ट करके खेलने वाले प्लेयर हो तो वहां पे आपके लिए मैगी वेस्ट हो जाएगी, और वहां पे अगर आप एम्बर या फिर सियाना लेके खेलते हो तो आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी और आपके टीममेट को भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो हमेशा लेजेंड अपने प्ले स्टाइल के हिसाब से चूज किया करो, या फिर अगर आपके पास एक प्रॉपर टीम है और वो जो रोल आपको दे रही है उस हिसाब से खेला करो। फोर्थ पॉइंट है चूज परफेक्ट गन कॉम्बिनेशन। हमेशा उन गन कॉम्बिनेशंस को चुनो जिसको हाथ में पकड़ के आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि आप फाइट जीत सकते हो। अगर आप 2 जुपिटर के साथ खेलने में कंफर्टेबल हो तो 2 जुपिटर के साथ खेलो, अगर आप 2 M4 के साथ कंफर्टेबल हो तो 2 M4 के साथ खेलो, पर कभी भी उन गन कॉम्बिनेशन के साथ कभी मत खेलना जो आप कभी अच्छे से यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बार स्नाइपर यूज नहीं कर सकते फिर भी उसको कैरी करते हैं, इस गेम की शॉटगन्स उतनी अच्छी नहीं है फिर भी लोग उसको कैरी करते हैं, AK-77 का बहुत ज्यादा रिकॉइल है फिर भी लोग उसको कैरी करते हैं। इन गन्स के साथ
तो कंफर्टेबल नहीं रहते, लेकिन बहुत बार मैंने स्पेक्टेटिंग में देखा है कि वो इन गन्स को कैरी करते हैं और फिर कुत्ते की तरह फाइट में मरते हैं। तो बहुत जरूरी है कि उन गन्स कॉम्बिनेशन को आप कैरी करो जिन गन्स को आप अच्छे से यूज कर सकते हो और इजिली उनसे फाइट जीत सकते हो। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है ग्राइंड एज मच एज यू कैन, मतलब कि जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा सीखोगे। मगर ग्राइंड का भी एक इंपॉर्टेंट रूल ये होता है, आपको अपने हर गेम पे ध्यान देना रहता है, गलतियों से सीखना रहता है और उनको दोबारा नहीं दोहराना रहता है, दूसरे अच्छे प्लेयर्स को ऑब्जर्व करना रहता है, उन पे ध्यान देना रहता है कि वो कैसे इस गेम को अडेप्ट करके खेल रहे हैं, वो कौन सा मूवमेंट कर रहे हैं, वो क्या स्ट्रेटेजीज को यूज कर रहे हैं, इन सारी चीजों पे ध्यान देना रहता है, उसको अपने गेम में उतारना रहता है और डे बाय डे ग्रो करना रहता है। इसको बोलते हैं प्रॉपर ग्राइंडिंग। बहुत ज्यादा कंटिन्यू पागल की तरह 10 घंटे खेलना और सेम गलती को बार बार दोहराना को ग्राइंड नहीं कहते। आपने एक हफ्ते के ग्राइंड के बाद कितना इंप्रूव किया, आपके खुद के गेम प्ले को आपको देख के लगता है कि आपने थोड़ा तो इंप्रूव किया है, तो समझ लो कि आपका ग्राइंड सफल है। तो बस यही कुछ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स थे जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। है तो और भी बहुत सारे टिप्स जो आपको आने वाले वीडियोस में मिलते रहेंगे, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं ऐसी किसी नई टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस।